अवार्ड्स में जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी को मोस्ट पॉपुलर फेस हिंदी न्यूज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अवार्ड देने के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सुधीर चौधरी की रिपोर्टिंग की जमकर तारीफ की। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत। मेरे हाथ में इस तरह की गोलियों के जो शेल हैं वो पूरे इस समय पार्लियामेंट हाउस में फैले हुए हैं। माउंट एवरेस्ट पर भारत का भी दावा होना चाहिए। पर आपने अभी तक ये नहीं बताया कि मुख्यमंत्री कौन होगा। पिछले 26 साल से ये चेहरा पत्रकारिता की दुनिया की पहचान है, देश हो या विदेश। और भारत भी अपनी ताकत से दुनिया के सामने, सरहद या संसद, ये पार्लियामेंट का मुख्य द्वार है जहां से एक सफेद एम्बेसडर में बैठकर ये सारे आतंकवादी इस सड़क से इस तरह से आए थे। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने हर जगह मिसाल कायम की है। और जब मिसालें बनती हैं तो सम्मान मिलना भी लाजमी है। नई कड़ी जुड़ चुकी है। गवर्नेंस नाउ मैगजीन ने 2021 के विजनरी अवार्ड्स में जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी को मोस्ट पॉपुलर फेस हिंदी अवार्ड से सम्मानित किया। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें वर्चुअल कार्यक्रम में ये सम्मान दिया। This category, which is for the most popular face news in Hindi, and of course the award goes to Shri Sudhir Chaudhary ji, editor Zee News. Ladies and gentlemen, Shri Sudhir Chaudhary ji, an Indian journalist and media personality. Thank you, Kailash. Kiran Rijiju ji, aapka bhi bahut bahut shukriya for your kind words. Sudhir Chaudhary ne is samman ko Zee News team ke saath saajha kiya. कोई भी टेलीविजन में व्यक्ति सफल नहीं हो सकता जब तक उसकी टीम बहुत अच्छी ना हो। तो आज जो पुरस्कार मुझे मिल रहा है, मैं उसे अपनी टीम को डेडिकेट करता हूं। मेरी जो टीम है जी न्यूज पर, आपने जो इतनी अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में कही, उसमें बहुत हाथ, बहुत बड़ा हाथ जी न्यूज प्लेटफॉर्म का है, बहुत बड़ा हाथ डॉक्टर सुभाष चंद्रा का है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मेंटोरशिप की, जिस तरीके से आजादी दी काम करने के लिए। सो हम जब सफल हो जाते हैं तो इन सारे फैक्टर्स को भूल जाते हैं और सोचते हैं कि सफलता ये सिर्फ हमारी अपनी है, इसलिए इस सफलता को मैं शेयर करना चाहता हूं। इस बार गणतंत्र दिवस पर जब पूरा भारत देशभक्ति में डूबा हुआ था, सुधीर चौधरी के दमदार अंदाज को करोड़ों दर्शक हर रात 9 बजे देश के नंबर 1 शो डीएनए में देखते हैं और उसे सराहते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू भी उनकी रिपोर्टिंग के कायल हैं। He went with me to a place called Chuna in Arunachal Pradesh. The way he reported from Arunachal Pradesh in Tawang, and he let everybody see what Arunachal is all about, what Tawang is all about. So Sudhirji is an institution into himself. बेबाक, बेखौफ अंदाज और सटीक सवालों की वजह से राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी उनकी सराहना करते हैं। हमारे साथ मीडिया के भी नायक है हमारे आदरणीय सुधीर चौधरी जी, जिनके साथ मुझे काम करने का थोड़ा सा अवसर मिला था। ग्रेट मेंटोर, somebody who has such a great knack for identifying news. आयोजकों का कहना है कि विश्वसनीयता ही इस अवार्ड का पैमाना है। श्री चौधरी has been instrumental in changing the face of Hindi news prime time with his ever popular show DNA. गवर्नेंस नाउ अधिकारी ब्रदर्स द्वारा संचालित एक पत्रिका है जो पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस की समीक्षा के लिए जानी जाती है, लेकिन उसे लागू करने